द्रौपदी का चीरहरण जिस सभा में हुआ था, आज वही दृश्य मैं इस दुनिया की छाया में देखती हूँ। तब थे कौरव और आज है कुछ और नाम, पर नारी की अस्मिता फिर से हो रही है बदनाम। शकुनी ने तब रची थी चाले, आज भी वही नीति नई शक्ल में सामने आ रही है। पुलिस भी पांडवों की तरह मौन बनी हुई है और द्रौपदी की चीखें आज भी न्याय की तलाश में है। इस बार शिकार है 4 साल की बच्ची जिसके सपनों को कुचला गया इस निर्दयी संसार में। फिर वही सन्नाटा, वही खामोशी का अंधकार। कब तक सहेंगे ये दर्द, कब तक झेलेंगे अत्याचार। प्रधान ने भी नजरें फेर ली, शासन और सत्ता सब खड़े रह गए बेखबर। न्याय की देवी भी अब चुप है, आंखों पर पट्टी बांध कर खड़ी है। फिर से फैला है द्रौपदी का चीर, लेकिन इस बार समाज में बना है अधीर। कब तक सहेंगे ये अत्याचार, अब वक्त है उठने का, बदलने का वार। हर बेटी हर महिला को चाहिए सम्मान, तभी रुकेगा ये घिनौना अभियान। महाभारत की गाथा से सीख लो प्रधानमंत्री जी, अब निर्णय अपने हाथों में ले लो। बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून बनाओ, ताकि हर बेटी को अब कृष्ण रूप में इंसाफ दिला पाओ। हर नारी के आंचल को सुरक्षा दो, ताकि फिर कोई द्रौपदी ना पुकारे भगवान को। अब वक्त है अन्याय को मिटाने का, नारी के सम्मान को फिर से जगाने का। ना तब कुछ बदला था, ना अब कुछ बदला है, आखिरकार यही है द्रौपदी की विरासत, कल और आज।